हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है। इससे पहले हस्बैंड चले गए थे, उनका खाना वगैरह दे दिया था और हमने अपना बना करके रख लिया है, जो अभी हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। तो थोड़ा मैंने सोचा कि पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो उससे पहले बेड की मैंने बेडशीट हटा दी है, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी और बेड पर शायद कुछ गिर गया था। तो एक लिया है मैंने ये ब्रश, इससे ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, नहीं तो गद्दे को उठा करके मुझे फिर क्लीन करना पड़ता है। और जो बेड का सिरहाना है ना, उस साइड भी थोड़ा सा कुछ गिर गया था, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और बेड का सिरहाना जो ऊपर की साइड से जहाँ मुझे डस्टिंग करनी होती है वो भी करती है। और आज मुझे अपनी लगानी है मशीन, तो मैंने इसी वजह से अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी थी, और कुछ उसके ऊपर गिर भी गया था, तो इस वजह से वैसे भी करनी ही पड़ी मुझे। तो अब मैंने बिछा दी है दूसरी वाली बेडशीट। और गाइस, यहाँ की बेडशीट इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। बस यहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं और इस रूम में पड़ता है मेरा बेटा। तो चलिए, अब बेडशीट बिछाने के बाद पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं मैंने। और गाइस, गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रखी है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। और काम को बोझ समझ के नहीं करती हूँ मैं, कि काम तो करना ही है, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, और काम करके ही ना सुकून मिलता है। मतलब सुकून क्या, जब घर क्लीन हो जाता है ना काम करने के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। जो थकावट होती है ना, वो भी उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, तो बहुत सुकून मिलता है इन सब चीज़ों को करके। और ऐसा नहीं है कि हमें किसी को दिखाना है कि भाई देखिए हमारा घर कितना क्लीन है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। कुछ भी हम अगर करते हैं अपने घर में, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, ख़ासतौर पर मैं। औरों का मुझे नहीं पता है कि कौन क्या करता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे, मैं खुद का ही अपने खुद ही अपना घर देखती रहती हूँ, कि मुझे जब घर क्लीन होता है ना और ऑर्गेनाइज होता है, तो वो अच्छा लगता है। तो चलिए, अंदर का मैं करके आ गई थी और अब कर लेती हूँ बाहर का। तो बाहर भी मैंने इसी ब्रश से ना अपने सोफ़े को भी साफ़ कर दिया है, और कुछ इस तरीके से हो जाता है रात के समय। हमारा सोफ़ा सीधा करना पड़ता है, और फिर जो खाली स्पेस बचता है वहीं पर हम अपना गद्दा बिछा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही एसी लगा हुआ है और अंदर नहीं सोते हैं हम गर्मियों के टाइम में। तो चलिए, ऐसे सीधे सीधे पर ही ना मैंने अपना जो सोफ़े का कवर है ना वो डाल दिया है। और जहाँ जो खुला हुआ था, ओपन सा दिखाई दे रहा होगा आपको सोफ़े के पास, वहाँ पर लगा हुआ है कूलर, तो वहाँ से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अंदर तो मैं डस्टिंग करके आई गई हूँ, जहाँ पर मैंने क्लीन किया था हमारे वाले बेडरूम को। और अब आ गई हूँ बेटे वाले रूम में, तो यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। वैसे तो इस कमरे में कोई नहीं आता है, खाली इसमें मंदिर ही है, तो पूजा पाठ ही होती है और बैग वगैरह रखे रहते हैं। तो लेकिन देखिए, आते जाते तो नहीं है, लेकिन धूल मिट्टी तो ज़रूर आती है, तो इस वजह से इसमें भी थोड़ा काम करना ही पड़ता है। वैसे सर्दियों में मेरा बेटा यहीं सोता है, लेकिन अभी हम एक साथ ही सारे सो जाते हैं। और अभी पता नहीं है गाइस कब तक बारिश होगी, क्योंकि अभी तो 3-4 दिन से रेड अलर्ट आ रखा है कि हीट वेव चलेंगी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा अगर हो सके तो घर में रहिए। देखिए, हस्बैंड घर में नहीं रह सकते हैं, उनको अपने काम पर जाना ही पड़ेगा, उनके लिए भी मजबूरी है। लेकिन अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, और अगर जाना भी पड़े ना, तो प्लीज़ अपने साथ में पानी ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस गर्मी के मौसम में। और जो ये गद्दा रखा था ना, इसको मुझे आज खोलना भी है, क्योंकि मुझे शाम को इसको दे करके आना है। तो उसे खोलने से पहले वो करूँगी मैं बाद में, काम जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कुछ काम मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि जिनको मैं बाद में कर सकती हूँ। तो चलिए, आज ये मुझे अपने जो बेटे के बुक्स रैक है ना, इसको ऊपर से क्लीन करना था। और इसका जो ऊपर एक बैम्बू वाला तो नहीं है, कुछ चटाई जैसी है, तो मैंने उसका मैट जैसा बना लिया था, उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बिछा हुआ था। और तो यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ था उसको मैंने क्लीन कर दिया है और थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहो ना, चीज़ वो अच्छी लगने लग जाती है। नहीं तो ना, एक ही जैसी चीज़ों को देख देख करके ना मन भर जाता है, मतलब आंखें थक जाती हैं। और
और ऊपर से साफ़ करने के बाद मैंने ये जो ड्रॉर खोल करके देखा तो इतना ज़्यादा मैसअप हो रखा था, सब कुछ हौच पौच हो रखा था। मतलब जो भी सामान है ना इसी के अंदर डाला हुआ था, कुछ जो यहाँ का था वो भी और जो यहाँ का नहीं था वो भी। तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है, सबसे पहले सारा सामान मैंने निकाला बाहर और फिर जो ज़रूरत का था उसको रखा और जो फेंकने वाला था उसको फेंक दिया है और जो दूसरी जगह का था उसको उसकी अपनी जगह पर रख दिया है। और कुछ ये कंटेनर हैं जो घर में आ जाते हैं हमारे सामान के साथ ही, उनको यूज़ कर लिया है मैंने और इसके अंदर चीज़ें रख दी हैं और बहुत अच्छे तरीके से ना ये ऑर्गेनाइज हो गया है और अच्छा से क्लीन भी हो गया है और साफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो चलिए अंदर की भी क्लीनिंग करके आ गई थी मैं और डस्टिंग मैंने सारे में कर दी है और अब लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि मशीन अपना काम करती रहेगी और मैं कर लूँगी बाकी के काम। वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कुछ बेडशीट थी और कुछ थोड़े से कपड़े थे तो वो भी एक साइड में धुल जाएंगे। और मशीन लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा। और गई जैसे कि आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, मैं ज़्यादातर वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, इससे भी ना बहुत अच्छे तरीके से पोछा लग जाता है। पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली हूँ और नहा करके मैं आ गई हूँ और इसके बाद अब कर लेती हूँ अपना स्किन केयर। तो स्किन केयर के लिए मैं वही अपनी जो सनस्क्रीन आती है ना वो लगा ली है मैंने, क्योंकि इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन। और लगा ली है एक लाइट कलर की लिपस्टिक बिंदी अपनी और अब बना लेती हूँ बाल। तो बाल भी ना आजकल ना बहुत जल्दी जल्दी पसीना आने लग जाता है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही हेयर वॉश करने पड़ते हैं और फिर पसीना जब आता है ना तो उसके अंदर खुजली भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज मैंने हेड वॉश नहीं किया था और बाल बनाने के बाद मैंने ऐसे ही जूड़ा बना लिया है, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा आराम रहता है। वो बाल अगर थोड़े से भी नीचे लगते हैं तो खुजली शुरू हो जाती है और गर्मी तो वैसे ही इतनी ज़्यादा हो रखी है। और गाइज़ ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा, अब वीडियो में तो इतना ज़्यादा धूप जो है ना वो नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुत तेज़ धूप हो रखी है। लेकिन अभी हमारी बालकनी में धूप नहीं आई है तो मैं फटाफट से कपड़े सुखा लेती हूँ और ये ना एक घंटा भी पूरा नहीं लगेगा और कपड़े सूख भी जाएंगे क्योंकि ड्राई हैं, ड्राई कपड़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया है। मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे दोपहर के बाद, कपड़े धोने के बाद मैंने खाना बनाया और खाने में मैंने बनाया था, सिंपल ही खाना बनाया था, टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनाई थी और साथ में थी लस्सी और बनाई थी प्लेन रोटी, क्योंकि मेरे से ना खड़ाई नहीं हुआ जा रहा था। मेरे पैर में, एक पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से खाना बनाया है इतनी मुश्किल से। और फिर सर्व किया बेटे ने तो मैंने ना एक बाल्टी के अंदर पानी भर के, गर्म पानी लेकर के और उसके अंदर फिटकड़ी डाल करके और पैर की सिकाई की थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी 2-3 दिन से ही हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, शायद एक बार बहुत साल पहले हुआ था तो तब डॉक्टर को दिखाया था, तब भी उन्होंने बोला था कि कैल्शियम की कमी है और हो सकता है कि कुछ और रीज़न से हो रहा हो, तो देखते हैं। तो मैंने उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वैसे पेन नहीं हो रहा है लेकिन जब मैं खड़ी हो रही हूँ ना तब पेन हो रहा है। और उसी बीच में मैंने एक दिन पहले जो मेरा गद्दा है जो मैं अपने ड्राइंग रूम में बिछाती हूँ रुई वाला गद्दा, उसको खोल दिया था और खोल के ये देखिए गाइस यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा है ये गद्दा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गद्दा मैंने खोल दिया था और इसकी रुई रखी है ये, तो ये मुझे दोबारा से भरवाना है और ये भरवाना इस रीज़न से है क्योंकि ये ना बहुत पतला हो गया था, काफ़ी पतला हो गया था जिसमें ना लेटते हैं तो फिर चुभता है। और इसका कवर भी मैंने धो दिया था, इसका कवर भी मैंने धो दिया था, तो ये भी कोई शूट नहीं किया था मैंने। और अभी मुझे जाना है इसको देने के लिए, तो बेटे को ले जाऊंगी साथ में, थोड़ा हेल्प भी हो जाएगी, वो उठा करके ले जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर गद्दे वगैरह भरे जाते हैं, थोड़ी सी पास में ही है मार्केट, तो वहीं पर इसको देकर आऊँगी और देखते हैं वो कब तक इसको भरेंगे। और आने के बाद बनाना है मुझे खाना और बस मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे मैं काम करूँगी, देखती हूँ फिर कब दिखाऊंगी डॉक्टर को। अभी तो अभी चाय पी है और इसके बाद मैं अब सीधा जाऊँगी मार्केट। और खाने में मैं बनाऊँगी कटहल की सब्जी, तो कटहल को मैंने बाहर निकाल के रख दिया है और अभी मैं जाऊँगी इस गद्दे को लेकर के जो बेटा लेकर के जाएगा साथ में, मैं चली जाऊँगी क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पता नहीं है। और फिर मैं आके आपसे मिलती हूँ।
गद्दा दे करके आ गई थी मैं वापस, और वापस आने के बाद मैंने फिर कटहल को काटा। वैसे तो कटा हुआ ही था वो, क्योंकि जब सब्जी लेकर आई थी ना तो वो ही छील भी देते हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ काट भी देते हैं, लेकिन उसको फिर से मुझे काटना पड़ता है छोटे छोटे पीसीज में। बड़े बड़े पीस ना फिर अच्छे से गलते नहीं हैं, और बॉयल करके मैं नहीं बनाती हूँ। और चलिए दे देती हूँ बेटे को पानी, क्योंकि उस अंदर से बोल रहा था कि मम्मा पानी दे दो, वो शायद पड़ ही रहा था। कटहल को पहले फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, और सरसों के तेल में ही फ्राई कर लिया है आज मैंने। सरसों का तेल डालने के बाद कटहल डाल दिया था, और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने से ना एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और फिर ज़्यादा टाइम के लिए पकाना नहीं पड़ता है, वो बहुत जल्दी से बन जाता है। तो चलिए गाइज़, कटहल हो चुका है फ्राई, और अब इसके अंदर लगाना है मुझे तड़का। और जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, मैं थोड़ा जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, बस सब्जी बना लेती हूँ, रोटी नहीं बनाती हूँ, आटा मांड के रख लेती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में ना टाइम नहीं लगता है। और बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, और झटपट से बन भी जाता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अगर इसके अंदर धनिया डल जाए तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, लेकिन अभी धनिया इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। अगर मिलता भी है ना तो वो गला गला जैसा मिलता है, तो फिर मैं लेती ही नहीं हूँ उसको। एक साइड चढ़ा दी है सब्जी, और इधर मांड दिया है आटा, और अब मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, क्योंकि पैर में ना मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसके बाद थोड़ी, क्योंकि अभी सब्जी बनने में टाइम है, तो उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी।